हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सतंदर आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं सिरोपरि लाइन के आधार, जिसको हम लोग पिछले कई क्लास से जान रहे हैं। और आज हम लोगों को उन्हीं आधार में से एक नया टॉपिक को देखना है, जो है आरसीसीवी पोल। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में इस्पात के पोल के बारे में जाना था, तो आज हम लोगों को जानना क्या है आरसीसी पोल के बारे में। तो ये आरसीसी पोल क्या होता है और आरसीसी पोल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आरसीसी पोल की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, और इससे कितने वोल्ट प्रवाह किए जाते हैं। आरसीसी पोल से कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो भी इनसे इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनने योग्य होगा और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आरसीसी पोल क्या होता है। यह एक बालू, सीमेंट और बजरी, गिट्टी, इन तीनों को मिलाकर ढाला गया पोल होता है, जिसका यांत्रिक शक्ति बहुत मजबूत होती है। यानी यांत्रिक शक्ति क्या होता है ना, बहुत अच्छा होता है और विद्युत का प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी है। इस वजह से इसका प्रयोग आज सभी पोल से अधिक हो रहे हैं। आप भी देखे होंगे कि आपके गांव, शहर, छोटे छोटे कस्बे में भी आज सीमेंट के ही पोल का प्रयोग ज़्यादातर किया गया है, क्योंकि यह कुछ ना सस्ते होते हैं और जो इसकी उम्र होती है वो बहुत लंबी होती है। अगर हम इसके उम्र की बात कर लें तो जो आरसीसी पोल की उम्र होती है वो 100 वर्ष 100 वर्ष होते हैं। आप समझ सकते हैं कि 100 वर्ष अगर कोई कंक्रीट पोल चल रहे हैं, आरसीसी पोल चल रहे हैं, जिसका उम्र को हम लोग छोटा नहीं समझ सकते हैं, बहुत ही लंबा उम्र माना जाएगा इसका, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि लंबे उम्र तक चलने वाले ये पोल है। दूसरा चीज कि जो आप देखे होंगे ना, इस प्रकार से आधारशिला पोल, इस प्रकार से जो आप पोल देखे होंगे, एक तो इस तरह से आप देखे होंगे, इस टाइप से, जिसमें तीन तार को ले जाया जाता है, और आप दूसरा पोल इसी में आरसीसी में देखे होंगे, इस टाइप से, प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग किया भी जा रहा है। लेकिन दोनों की जो पोल की जो साइज है ना, वो समान रखा जाता है। ऐसा नहीं कि साइज सबका भिन्न भिन्न होता है। तो जो आरसीसी पोल की साइज होते हैं ना, वो जैसे यहाँ से और यहाँ की हाइट को अगर हम बात कर लें, इनकी हाइट को पोल की, तो ये जो हाइट रखा जाता है 7 से 12 मीटर रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 7 से 12 मीटर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आरसीसी पोल की ऊंचाई कितनी होती है, तो आप ये हिचक बोल सकते हैं कि इसकी ऊंचाई 7 से 12 मीटर तक रखा जाता है, ठीक है। और अगर ये पूछ ले कि आरसीसी पोल की ना पोल और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, यानी ये पोल से दूसरे पोल की दूरी कितनी होती है, तो ये भी आप आसानी पूर्वक से बोल सकते हैं कि जो एक पोल और दूसरे पोल के बीच की दूरी होती है, यानी ये वाला ये, तो ये कितनी होती है, 60 से 200 मीटर। यानी हमारा जो ना मिट्टी कैसा है और हम उस पर कितना लोड दे रहे हैं, इसके अनुकूल इसकी दूरी को समायोजित किया जाता है। यानी कम से कम भी अगर दूरी रखा जाएगा तो कितना रखा जाएगा, 60 मीटर रखा जाएगा, और अधिक से अधिक अगर दूरी रखा जाएगा तो कितना रखा जाएगा, 200 मीटर रखा जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि आरसीसी पोल की जो बीच की डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वो कितने होते हैं, 60 से 200 मीटर, क्लियर। तो आपको अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आरसीसी पोल की उम्र कितनी है, तो 100 वर्ष, आरसीसी पोल की जो हाइट होती है कितनी होती है, 7 से 12 मीटर, एक पोल से दूसरे पोल की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 60 से 200 मीटर, तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को तो आप आसानी से बोल सकते हैं और इसको
आप इस टाइप से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत ही इजी से इसका आंसर दे सकते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आरसीसी पोल जो होते हैं ना, ये कितने वोल्ट के विद्युत धारा के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, कहां तक इसका उच्चतम मान क्या होता है और न्यूनतम मान क्या होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं न्यूनतम मान की ना, तो ये जो आरसीसी का जो खुट्टा देख रहे हैं आप, जो खंभा देख रहे हैं, पोल देख रहे हैं, इसका न्यूनतम जो वोल्टेज का मान होता है वो 230 होता है और अधिकतम जो होता है वो 33,000 तक होता है। अधिकतम कितना होता है? 33 किलोवोल्ट। आप इस पर गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो गांव में आपका ट्रांसफार्मर से आगे जो उपभोक्ता के लिए जो खंबे का प्रयोग किया गया है वहां पर भी आरसीसी पोल का ही प्रयोग किया जाता है, और ट्रांसफार्मर से जो पीछे 11,000 के जो खंबे का प्रयोग किया गया है वहां भी आरसीसी पोल का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हम लोग तो जनरली देखते हैं कि हमारे गांव में 11,000 ही लाइन आती है ना, ऐसा तो नहीं है कि 33,000 लाइन हमारे गांव में सप्लाई के लिए आती है। तो इस वजह से हम लोग क्या देख पाते हैं कि 230 वोल्ट से 11,000 तक तो हम लोग जनरली देखते हैं कि आरसीसी का प्रयोग किया ही जा रहा है, परंतु जरूरी नहीं है कि 211 के अभी तक ही हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, बल्कि इससे उच्च स्तर 33 के अभी तक के वोल्टेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, आरसीसी का चयन आसानी पूर्वक कर सकते हैं बिना किसी परेशानी का। और इसका चयन हम क्यों करेंगे, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरसीसी का चयन हम क्यों करेंगे। तो आरसीसी पोल का चयन इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी यांत्रिक शक्ति बहुत अच्छी है, मतलब यांत्रिक शक्ति क्या है ना, बहुत ही अच्छी है। जैसे कि एक पोल और दूसरे पोल के बीच में जब हम लोग तार को लटकाते हैं, तार को एक खुट्टे से दूसरे खुट्टे में जब बांधा जाता है, अगर उसका यांत्रिक शक्ति अच्छा नहीं हो ना, तो क्या होगा ना कि कुछ समय के बाद वो पोल टूटने की संभावना होगा, वो टूट जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, इस पोल में ऐसा नहीं देखा गया है कि यह आसानी पूर्वक टूट जाता है। और टूटने की बात रही तो वो तो बड़े से बड़े ज्यादा से ज्यादा यांत्रिक शक्ति वाले भी टूटते हैं, परंतु जनरली इसको देखा गया है कि यह नहीं टूटते हैं। इसलिए कहा क्या गया है, इसकी यांत्रिक शक्ति बहुत अच्छी है। दूसरा चीज कि इसकी जो ना प्रतिरोधकता बहुत बढ़िया, यानी मतलब ना ज्यादा इसमें बिजली प्रवाह होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। यानी आप अगर धातु पोल का प्रयोग करते हैं, रेलवे ट्रैक का प्रयोग करते हैं, जो रेलवे ट्रैक पटरी में प्रयोग किया गया, वो पटरी को जब आप पोल कुट्टा के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि विद्युत का वो खुली चालक बन जाता है, लेकिन उसके तुलना में तो यह बेहतर है, लेकिन यह अधिक भारी होता है। एक परेशानी इसके साथ क्या है ना कि यह अधिक भारी होता है। आप देखे होंगे कि अगर कोई भी सीमेंट बालू और बजरी छड़ से अगर तैयार किया गया है और 7 से 12 मीटर इतना लंबा अगर तैयार किया गया है तो उसका तो ऑटोमेटिक है कि वजन बहुत अधिक हो जाएगा, और भारी हो जाने के कारण से इसका जो कॉस्ट होता है ना कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ये परेशानी होती है और थोड़ा कॉस्ट इसका बढ़ जाता है। लेकिन इसको अगर हम ध्यान में नहीं रखें कि कॉस्ट थोड़ा अधिक है, तो हम कह सकते हैं कि जो आरसीसी पोल है ये बहुत ही अच्छी पोल है, जिसका प्रयोग हम लोग आसानी पूर्वक ज्यादातर गांव एवं शहरों में कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के हम लोग डेट में देखते हैं कि सबसे ज्यादा पोल प्रयोग होने वाला है आरसीसी, जो कम वोल्टेज में आप 230 वोल्टेज के लिए हो या फिर 33 किलो वोल्ट के लिए आसानी पूर्वक का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी प्रकार के और भी टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।